गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन जो है एल्गी जो अपने करा रहे हैं और प्रैक्टिकल बॉटनी जो क्लासेज है अपनी प्रैक्टिकल बॉटनी, जिसमें आज एक जीनस और मैं आपको कराने जा रहा हूं। अभी तक मैंने जो आपको ऑसिलेटोरिया नोस्टॉक ऑसिलेटोरिया नोस्टॉक बाउचीरिया कारा ये अपन ने करवा दिया आपको, और वॉलवॉक्स, ये टोटल पांच जो है जीनस मैंने आपको प्रैक्टिकली करवा दिए हैं। ये आप अपने रिकॉर्ड में कर लें। और आज जो एक मैं आपको जीनस कराने जा रहा हूं एक्टोकार्पस, तो सबसे पहले प्रैक्टिकल जो रिकॉर्ड लिखेंगे आप उसमें सबसे पहले जो अपना ऑब्जेक्ट लिखते हैं अपन, क्या ऑब्जेक्ट 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 में आप क्या लिखेंगे, टू स्टडी द गिवन प्लांट मटेरियल, दी गई पादप सामग्री का अध्ययन करना, फिर उसके बाद में जो है मटेरियल सामग्री क्या क्या ले रहे हैं अपन, अननोन मटेरियल और सेफ्रेनिन वाच ग्लास कवर स्लिप, ये सभी अपने जो है अननोन सॉरी मटेरियल या सामग्री में आ जाते हैं। फिर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या जो अपन कहते हैं कैरेक्टर्स, शॉर्ट में कैरेक्टर्स भी अपन या कैरेक्टर्स, तो कैरेक्टर्स जैसे मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल में अपन को शॉर्ट में लिखना होता है 3 से लेके 5 तक, यानी मिनिमम 3 कैरेक्टर तो लिखनी ही चाहिए, जिसे आप जैसे अपन आज जो ये करा रहे हैं इसकी थैलस स्ट्रक्चर्स में अपन क्या लिखेंगे, ये जो इसका थैलस है वो इरेक्ट और राइजोइडल, ये इसका राइजोइडल पार्ट या मूलावासी, और ये इसका जो है मेन एक्सिस, और ये इसका जो है ब्रांच पार्ट, ये इस प्रकार की जो हैबिटेट थैलस की दिखाई देती है, थैलस हैबिटेट स्वभाव में। फिर अगर अपन इसकी एक जो सेल्स है यहां की उसका अगर अपन डायग्राम देखते हैं तो वो अपन को इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी कि इसमें बाहर जो है ये एक जो इसकी एक सेल की स्ट्रक्चर्स जो यहां से उसमें क्रोमेटोफोर जो कि लगभग रिबन सेल, ये किस क्या होगा इसका क्रोमेटोफोर जो कि रिबन सेव स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है, और इसमें जो है मध्य में पाइरिनोइड प्रोजेक्टेड या उभरा हुआ, ये क्या इसका पाइरिनोइड कहां पे मिलेंगे, इस क्रोमेटोफोर में पाइरिनोइड उभरे हुए पाए जाते हैं, और बाहर की ओर जो है सेल वॉल बाइलैड या द्विस्तरीय होती है, बाहर की जो है वह तो जिलेटिन की बनी हुई होती है, और अंदर की जो सेल वॉल है वह सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। तो ये दो इसमें द्विस्तरीय कोशिका भित्ति
बाहर की वो तो जिलेटिन की और अंदर की जो है सेलुलोज की, और इसमें फिर जो है अंदर जो अपना ये इस प्रकार से इसका जो साइटोप्लाज्म बिखरा हुआ एक पतली लेयर में पाया जाता है, और लगभग सेंटर में सेंटर भाग में यहां पे ये न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इस प्रकार की इसकी जो है एक सेल की सेल स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, एक कोशिका की संरचना जो कि इसकी थैलस की स्ट्रक्चर्स में अपन बनाते हैं। यानी कि इसके बारे में अपन लिखेंगे क्या, थैलस स्ट्रक्चर्स में जो ये इसकी यूनिसीडिएट होती है, एक पंक्तिक होती है और सिलिंड्रिकल या बेलनाकार जो है कोशिकाएं पाई जाती है, द्विस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि बाहर की ओर जिलेटिन की बनी हुई है और अंदर की ओर सेलुलोज की बनी हुई पाई जाती है। फिर इसमें जो क्रोमेटोपोर है वह फैला हुआ पाया जाता है और रिबन लाइक रिबन सेफ स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स जो सेफ है वो इसकी मिलती है किसकी, क्रोमेटोपोर की। क्रोमेटोपोर इसको क्यों कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट क्यों नहीं कहा जाता है, ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया कि जब क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी हो तो इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जब केवल क्लोरोफिल ए पाया जाता है किसी अन्य जो पिगमेंट के साथ तो इसको फिर क्या कहते हैं, क्रोमेटोफोर कहा जाता है। या आप कहते हैं सीधे शब्दों में जब क्लोरोफिल ए ही पाया जाए या क्लोरोफिल बी अब्सेंट हो तो इसको क्रोमेटोफोर कहते हैं। और इसमें पाइरिनोइड जो है वह उभरा हुआ पाया जाता है या प्रोजेक्टेड होता है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर्स किसकी, थैलस की स्ट्रक्चर्स। अब इसमें जो है थैलस स्ट्रक्चर्स, फिर यहां पे अपन लिखेंगे रिप्रोडक्शन या जनन है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल अलैंगिक जनन जो है वो तो यूनिलोक्युलर एंड प्लूरी लोक्युलर स्पोरेंजिया के द्वारा संपन्न होता है, यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया और प्लूरीलोक्युलर स्पोरेंजिया एक कोष्ठीय बीजाणु धानिया और बहुकोष्ठीय बीजाणु धानी के द्वारा संपन्न होता है। तो यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया जो है शीर्ष भाग पे, यानी शीर्ष भाग की जो ये छोटी ब्रांच जो पंक्तियां होती है इनमें जो है पाए जाते हैं यहां पे ये यूनिलोक्युलर और जो है प्लूरीलोक्युलर स्पोरेंजिया ये भी जो छोटी पार्श्व में लेटरल भाग में पाई जाने वाली जो बीजाणु दानिया है वह क्या कहलाती है, बहुकोष्ठीय बीजाणु दानिया, और ये दोनों ही जो है डिप्लोइड प्रकार के थैलस पे पाई जाती है और स्वयं क्या भी हैप्लोइड होती है और इनके द्वारा हैप्लोइड प्लांट का निर्माण होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर्स मैं बताता हूं आपको यूनिलोक्युलर की और प्लूरीलोक्युलर। ये इस प्रकार की जो इसकी संरचना जहां पर ये एक कोष्ठीय बीजाणु दानिया ये क्या हुई यूनिलोक्युलर। इसी प्रकार से जो प्लूरीलोक्युलर है यानी यूनिलोक्युलर तो क्या हुई ब्रंथियों और गोलाकार जिनमें की हैप्लोइड जो है गैमिट पाए जाते हैं, और प्लूरीलोक्युलर भी जो है पार्श्व स्थिति पे इनमें जो है स्टाल्क पाया जाता है या अब्सेंट होता है, यहाँ पे जो मैं बना रहा हूं इसमें स्टाल्क है और
इस प्रकार की जो दीर्घ वर्ताकार या अंडाकार जो संरचना होती है जिसमें कि बहुत अधिक संख्या में बीजाणु पाए जाते हैं, जिसके कारण इसको बहुकोष्ठीय बीजाणु धानिया कहा जाता है या प्लुरीलोक्युलर स्पोरेंजिया कहते हैं। तो ये आपको डायग्राम बनाने, एक प्लुरीलोक्युलर का, एक प्लुरीलोक्युलर का, एक सेल स्ट्रक्चर्स का और एक वो आपको थैलस की हैबिटेट का। इसके अलावा और जो है आपको अब यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन में आप क्या लिखेंगे, क्लासिफिकेशन क्लासी लास्ट में लिखते ना हम, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहला जो है वो तो एल्गी, एल्गी किस लिए कि ये जो है थैलस लाइक स्ट्रक्चर्स में पाई जाती है। फिर जो फियोफाइसी का मेंबर, फियोफाइसी इसलिए कि क्लोरोफिल ए तो पाया जाता है, क्लोरोफिल बी अब्सेंट होता है और इस क्लोरोफिल बी के स्थान में यहाँ पे क्लोरोफिल सी की अधिकता होती है, जिसके कारण ये जो शैवाल है भूरे रंग की दिखाई देती है। इसके अलावा फ्यूकोजेनिक पिगमेंट पाया जाता है और यहाँ रीजन फूड मटेरियल आरएफ जो है लेमिनेरियन एंड मैनीटॉल जो है क्या रीजन फूड मटेरियल। तो ये इसके थियोफाइसी के करेक्टर। फिर जो अपन ऑर्डर इसका एक्टोकार्पेलीज के जो करेक्टर है वह क्या है कि जो प्लांट है वह प्रोस्टेट और इरेक्ट भाग में डिवाइड होता है, यूनिसीरिएट होता है और क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं और जो है एक कोष्ठीय और बहुकोष्ठीय बीजाणु दानियां पाई जाती है। ये इसके फिर इसके बाद में फैमिली एक्टोकार्पेसी जो है ये एक्टोकार्पेसी की करेक्टर क्या हुए कि जो जन्म है वह विशेष प्रकार की बीजाणु दानियों के द्वारा संपन्न होता है, जिनको कि एक कोष्ठीय या बहुकोष्ठीय बीजाणु दानियां कहते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह गैमेटेंजिया के द्वारा होता है, गैमेटेंजिया के द्वारा होता है। ये फिर जो जीनस अब लास्ट में लिखते हैं एक्टोकार्पस है। तो एक्टोकार्पस के जो गुण है वो अपन बता देंगे यहाँ पे कि ये जो भूरे रंग का होता है और विजुअल फूड मटेरियल लेमिनेरियन और मैनीटॉल पाया जाता है। जो जनन है वे विशेष प्रकार एलएमई जनन विशेष प्रकार की बीजाणु दानियों के द्वारा संपन्न होता है, एक कोष्ठीय और बहुकोष्ठीय बीजाणु दानियों के द्वारा। और अंत में अपन रिजल्ट लिखते हैं। रिजल्ट में क्या लिखेंगे कि दी गई उपयुक्त लक्षणों के आधार पर दी गई जो पादप सामग्री है वह डैश अंडरलाइन करके ऊपर नाम लिख देंगे किसका, एक्टोकार्पस। तो ये अपने आप जो आज अपने ये जो जीनस कराया ये अपने रिकॉर्ड में लिख लेना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।